हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। आपने नुमाइंदा चुन करके भेजा था यहाँ से 5 साल के, और आपके नुमाइंदे ने 2 साल के अंदर ही आपको दोबारा चुनाव में झोंकने का काम किया। चक्कर पड़ी हो, किसान आंदोलन के दौरान उंगली कटा करके शहीद होने का फैसला ले लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव निर्माण में, और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के संस्थापक है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो मतदाताओं से मिलने। डॉक्टर साहब, कई दिन आप हो गए इस हलके में, पहले प्रत्याशी के साथ, फिर गोपाल कांडा के साथ, और जो है आज आप अकेले ही घरों में जा कर के वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? चुनाव प्रचार में निरंतर तेजी आ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं जी, और आगे बचे हुए 4 दिन में और तेजी आएगी। क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? ये फैसला करने का अधिकार तो प्रजातंत्र में जनता को होता है, जागरूक मतदाताओं को होता है। ये निर्णय करना उनका काम है जी। हमारा काम है संपर्क करना, एक एक मतदाता के दरवाजे तक जाना, वो काम हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी समस्याएं इस हलके में जो लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से चाहे पीने के पानी की प्रॉब्लम हो, सेम की समस्याएं हो, सड़कें जो है टूटी हुई हैं, राजस्थान बॉर्डर्स के साथ लगता है इलाका है। जी जी जी, तो क्या विकास हो पाएगा? बिल्कुल निरंतर, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नुमाइंदे ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से ये हालात हुए जी। अब जो बाकी के सरकार के 3 साल बचे हुए हैं उनमें तेजी से विकास होगा। नुमाइंदे तो ये कहते हैं कि देखो ये काम तो सरकार का है, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, मैं एक दिन में पूरे हरियाणा में एक साथ विकास कार्य करवा दूंगा। मंत्री एक विधायक से नहीं बनता, 45 विधायकों से बनता है, ये ख्वाब पालने छोड़ दें जी। और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अलग अलग जो गांव में है जा रहे हैं आप, इस बार चुनाव को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव को लेकर? क्योंकि हर बार जो है कई उपचुनाव यहाँ पे हुए, 2010 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव गांव जा करके स्थानीय विधायक को 5 साल के लिए लोगों ने चुना था जी। उसने इस्तीफा क्यों दिया जी। और फिर दिया तो फिर क्या वो मकसद हल हो पाया जी? नहीं हो पाया तो आज उसे चुनाव में आने की नौबत क्यों आई? डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि कृषि के कानून अगर रद्द होंगे तभी मैं जो है वापिस आऊँगा, ऐसा वीडियो नहीं है? वीडियो तो आप चेक करो, अखबारों की कतरने चेक करो, ये काम आपका मीडिया का जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, इस उपचुनाव को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, और जो है जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।